इसी को लेकर अलग अलग शहरों से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कोटा से मेरे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हैं, जावेद खान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से लाइव, और जयपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं विष्णु शर्मा। विष्णु का ही मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। विष्णु, जयपुर यहाँ पर क्या हाल है और किस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है इसको लेकर? सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है क्या? छोटे बच्चों के लिए कई जगहों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीजें देखने को मिल रही है क्या विष्णु? देखिए, प्रदेश भर में लगातार भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है। बाड़मेर में अगर बात की जाए तो प्रदेश का सबसे जो गर्म इलाका है वो बाड़मेर है, वहां पर 46 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जो तापमान है वो बना हुआ है। लगातार जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है कि हीट वेव चलने की संभावना कई जो जिले हैं राजस्थान के उनमें जताई जा रही है, और साथ ही साथ ये सलाह दी जा रही है कि कम से कम घरों से बाहर निकला जाए जब चिलचिलाती धूप हो, तो 12 से 4 बजे के बीच का जो समय होता है उसमें घर रहने की सलाह दी जा रही है। विशेष कोई काम हो तो ही घर से बाहर निकले, इस तरह की जो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। साथ ही साथ पक्षियों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि पक्षियों के लिए पानी रखा जाए, इसको लेकर तमाम जो संस्थाएं हैं वो आगे आ रही है और पेड़ों पर जो पक्षियों के लिए पानी है उसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ स्कूलों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की ओर से, तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। अस्पतालों में भी अतिरिक्त जो स्टाफ है वो लगाया गया, और साथ ही साथ डॉक्टरों जो तमाम चिकित्सा विभाग है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि मौसम की जो तमाम बीमारियां हैं वो लगातार देखी जा रही है। इस वजह से अस्पतालों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है, और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनको सावधानी बरतनी की सलाह। जावेद मेरे सहयोगी मेरे साथ अजमेर से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद, अजमेर में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह की तस्वीरें हैं, और साथ ही साथ लोग यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे, क्योंकि बढ़ती गर्मी है, मौसम विभाग ने क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा तापमान बढ़ने की चेतावनी भी जारी की है? देखिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी इस वक्त अजमेर जिले भर तापमान है वो 40 डिग्री पार कर चुका है। अभी दोपहर की 1 बजे आने वाले 2-3 घंटे के अंदर तापमान और बढ़ने की संभावना है। चिलचिलाती गर्मी और चिलचिलाती चैटती हुई धूप के चलते जो है लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। इस वक्त इंडियन राजस्थान की टीम जो है सबसे व्यस्ततम जो मार्ग है आना सागर लिंक रोड और ये रीजनल कॉलेज लिंक रोड जो कहलाता है, यहाँ पर बहुत से लोग दिन में और शाम को यहाँ होते हैं। इस वक्त भी जब गर्मी का माहौल कम होता तो लोग बहुत होते हैं, लेकिन अभी 1 बजे का आलम यह है कि आप देख सकते हो कि मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार सबसे पहले बताऊंगा कि जो यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं कुल्फी के और ठंडे के और गन्ने के, वो भी पूरी तरीके से सूने दिख रहे हैं, और पूरी तरीके से जो है दुकानदार भी कहीं छाया के अंदर बैठे हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल निकल नहीं रहे हैं, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, शांति से जो है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आप सड़क का भी हाल देख सकते हो कि सड़क किस तरीके से सूनी दिखाई दे रही है, इक्के दुक्के वाहन यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी तरीके से जो बाहर निकल भी रहा है ना वो पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से अपने आप को पैक करके सर पे जो है मुंह पे दुपट्टा या स्कार्फ बांध के निकल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने अभी और जो है गर्मी का अलर्ट किया हुआ है। स्थानीय जो जिला कलेक्टर है उन्होंने भी पूरी तरीके से स्कूलों के समय में भी परिवर्तन कर दिया, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक स्कूलों का जो समय फिक्स कर दिया है। आने वाले समय में और गर्मी बढ़ने की संभावना है, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी मनीषा, बिल्कुल ठीक है, मैं कोटा का रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी यहाँ से मौजूद हैं। कोटा में किस तरह की परिस्थितियां हैं और यहाँ पर क्या मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हीट वेव को लेकर? आने वाले कितने और दिनों तक इसी तरीके का मौसम सताता नजर आएगा लोगों को? देखिए मनीषा, अगर कोटा की बात की जाए तो हाड़ोती का पूरा इलाका पथरीला इलाका है। पथरीला इलाका एक बार गर्म होने के बाद में ठंडा होने में काफी समय लगता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जाता है। अभी दोपहर के 1 बजे हैं, मगर 1 बजे के हालात ऐसे हैं जिस तरह से दिन के 2 या 4 बजे हुए हों, क्योंकि अगर बात की जाए गर्मी के प्रकोप की तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।
तमाम जो एडवाइजरी जारी करी गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 12 से 4 के समय में ज्यादा से ज्यादा लोग घरों पर रहे। अस्पतालों में भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने स्कूली बच्चों के लिए आदेश दिया है कि 11 बजे तक के पहले पहले स्कूलों को बंद कर दिया जाए। सामने की 15% से कहूंगा जो सामने की तस्वीरें दिखाई जाए, ये जिस एरिया में अभी हम खड़े हुए हैं ये कोटा का बहुत व्यस्तम बाजार है और इस व्यस्तम बाजार में यहाँ पर दिन भर लोगों की काफी भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा मार्केट है, खाद्य पदार्थों की दुकानें हैं और इसको देखते हुए यहाँ पर लोगों की काफी चहल पहल यहाँ पर हमेशा देखने को मिलती है। मगर बात की जाए तो अब जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं आप देख सकते हैं छापी यहाँ पर ओढ़ रखी है, माथे पर किसी ने चुन्नी डाल रखी है, लगातार जो धूप से बचने के जो प्रकोप है और क्या है वो करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे सामने की जो तस्वीर है कोई अगर और ऐसे में जो ठंडे पेयजल जैसी जो डिमांड्स हैं वो भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और लिहाजा गर्मी पर काबू पाने के लिए या फिर गर्मी से बचाव के लिए लोग तरह तरह के जो प्रयास है वो करते हैं। राजेंद्र बहुत शुक्रिया आपका तस्वीर और जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए और विष्णु आपका भी बहुत शुक्रिया, जावेद आपका भी।